हेलो एंड वेलकम टू देवी किचन। तो आज की रेसिपी है डोसा और ये बहुत ही कम समय बनने वाली है और बहुत ही जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कटोरी सूजी है ले ली है, दही है, बेसन है और वीट फ्लोर और चावल का आटा से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम ग्राइंडर में सूजी डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम बेसन डाल देंगे, हमने इधर 4 टीस्पून और आधा टीस्पून लिया है। और अगर कभी आपके घर में गेस्ट आ जाए तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ जैसे डोसा बनाने में सबसे पहले रात में भिगो फिर बनाओ कल, तो ये बिल्कुल भी इजी है। तो इसमें हम चावल का आटा भी डाल देंगे। अब इसे उसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और जो सबकी क्वांटिटी है बेसन की, चावल के आटे की और गेहूं के आटे की, सबकी 4 टीस्पून है, आप बराबर मात्रा में डालिएगा। और नमक क्वांटिटी आप देख सकते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ग्राइंड करने के बाद हमने एक बाउल में डाल दिया है। फिर इसके अंदर हम अपना दही डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे हम, 1 बाउल ही। इसका बैटर हमें लम्स फ्री बनाना है, तो दही डालने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी भी डालते जाएंगे धीरे धीरे करके, और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और थोड़ा सा हम सोडा डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, और इसको ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। फिर हमने तवा चढ़ा दिया है और थोड़ा सा पानी का छिट्टा, और फिर अच्छे कपड़े से पोंछ दिया है। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल से हल्का हल्का केवल ग्रीस करना है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो पूरा प्रोसेस अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो अब हमें फिर हम कलछी लेकर बीच में राउंड शेप घुमाते हुए उसको फैलाते जाएंगे, और इस प्रोसेस से हमारा डोसा जो है क्रिस्पी भी बनता है और बड़ा भी बनता है। और क्वांटिटी एकदम बराबर रखिएगा, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा डोसा और सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें मात्रा में ध्यान रखनी है। और उसके ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे। उसके बाद हमें 1 मिनट तक इंतज़ार करना है, फिर ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो हमने नारियल की चटनी बना दी है, और अगर आपको नारियल चटनी की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और हमने सलाद थोड़ा सा काट लिया है, सलाद बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हमने गाजर, धनिया, मिर्ची, खीरा, प्याज, टमाटर अच्छे से कट कर लिया है। तो ये देखिए साइड से तवा छोड़ने लगा है, बस हमें इसी तरह का चाहिए था। और ये पलटने पे देखिए बहुत ही क्रिस्पी रहेगा और पलटने में भी आसान तरीके से हो जाएगा। तो इसको पलटने के बाद हम थोड़ा सा 30 सेकेंड तक थोड़ा सा इसको पकने देंगे और ये फिर सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत ही ईजी है, आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर कमेंट द्वारा बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, इसमें हमने कोई मसाला नहीं तैयार किया और कोई इतनी 3-4 चटनियाँ नहीं बनाई, सांभर नहीं बनाया। अब इसको मॉर्निंग में या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, संडे स्पेशल टाइप का भी। तो हमारा डोसा रेडी हो गया है और इसके साथ हमने सलाद काट लिया है। और हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ स्वीट डिश के साथ, तो आपके लिए सरप्राइज़ है, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।